नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी पर। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग की जो पहली क्लास थी हमने इसको प्रोवाइड करवाया और आपका जो प्यार मिला वो बहुत ही अच्छा, और इसी के आगे आज हम रीजनिंग की जो कैलेंडर की टाइप टू है यानी पार्ट टू वीडियो हम लेकर आए हैं और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे गए हैं। वहाँ पर हम आपको एक बेसिक नियम बताएँ और नियम के साथ साथ उसमें एक क्वेश्चन भी कराया गया, तो उसका जो दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा है और उसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 जुलाई 1999 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, और ऑप्शन दिए हैं पहला बुधवार, शनिवार, शुक्रवार और सोमवार। देखो, सबसे पहले बताए थे आपको कि यहाँ पे ज्ञात करने के लिए हमारे पास 5 टर्म होते हैं, और वो 5 टर्म क्या क्या हैं, तो 16 क्या है, डेट है, डेट कितनी है 16। उसके बाद एक कोड बताए थे, मन का कोड आपको सबको याद होगा कितना था, 144, 025, 036, 146, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जुलाई का कोड क्या है, तो ये क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी जुलाई का कोड कितना है बताओ, 0 है। उसके बाद अब आते हैं ईयर, लास्ट के दो अंक क्या होंगे, ईयर होंगे, यानी इसमें 99 क्या है, ईयर है। लीप ईयर्स कैसे निकालोगे, ईयर्स में 4 से भाग देकर, तो ईयर में 4 से भाग दोगे जो शेषफल आएगा वो हमको वहाँ पे लीप ईयर्स नहीं रखना है, क्योंकि लीप ईयर में हम भागफल लेते हैं, तो भागफल कितना आ रहा है, देखो पहले यहाँ पे 4 × 8 कितना हो, 4 × 4 = 16, यानी कितना आएगा बताओ, 24 क्या आएंगे, लीप ईयर्स की संख्या आएगी। उसके बाद बचा 1900, 1900 क्या है, सेंचुरी, सेंचुरी कोड कैसे निकालते हैं हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जा करके फर्स्ट वीडियो देख करके फिर सेकंड वीडियो में आइए। अब यहाँ पे सेंचुरी हमारा कितना है, 1900 है, 1900 को हम जब 400 से डिवाइड करोगे तो बचेगा कितना बताइए, शेषफल कितना आएगा, देखो 4 × 16 चार बार जाएगा और शेषफल हमारा बचेगा यहाँ पर कितना, 300, और वो वहाँ बताए थे कि जब 300 आएगा तो हमारा सेंचुरी कोड कितना होगा, 0, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। डिवाइड कर दोगे 7 से, तो 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आएगा, 7 × 2 = 14 कितना बचा, 2, यहाँ पे 7 × 1 = 7 कितना बचेगा, 2 हो जाएगा 29, 7 × 2 = 28 कितना बचा, शेषफल 1 बचेगा, यहाँ पे कितना, 7 × 3 = 21 कितना बचा बताओ, 3 बचेगा, 3 × 2 = 5 ठीक है, 3 × 2 = 5 = 6 यानी 6 आएगा हमारा शेषफल, और 6 शेषफल आएगा तो आप बताइए हमारा दिन क्या आएगा, दिन हमारा आएगा शुक्रवार यानी फ्राइडे, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलते हैं, खासकर जो भी हमारे जैसे रोल प्ले ग्रुप डी हो गया, यानी जितने भी एग्ज़ाम होंगे जिसमें रीजनिंग आएगा उसमें अगर क्वेश्चन आना है कैलेंडर से तो ऐसे टाइप में क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन सीजीएल की बात करें तो सीजीएल में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं जो यहाँ से आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, हर एग्जाम को देखते हुए मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 में कह रहा है कि 12 जुलाई 1990 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब आप लोग सभी लोग कमेंट करिए कि इसमें हमारा इस दिन क्या दिन आएगा, यानी इसका जो डे आएगा वो डे क्या होगा, सभी लोग बताइए क्या हो सकता है, बताइए इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले यहाँ पे 12 जुलाई है तो 12 हमारा क्या होगा बताओ, डेट। उसके बाद जुलाई का जो हमारा कोड होगा वो क्या होगा, सभी लोग बताओ जुलाई का जो कोड है वह कितना होगा, ठीक है, तो जुलाई का कोड कितना हो जाएगा, हाँ कितना होगा बताओ, 0 होगा, कितना होगा, 0। उसके बाद शेष यहाँ पे ईयर्स कितने आएंगे, 90 आएंगे, ठीक है। लीप ईयर्स की संख्या कितनी आएगी, शेषफल यानी जब भागफल निकालोगे ईयर्स में 4 से डिवाइड करोगे तो जो भागफल आएगा वही हमारा क्या होगा, लीप ईयर्स की संख्या होगी। 90 को 4 से डिवाइड करोगे तो भागफल कितना आएगा, 4 × 8 कितना आएगा बताओ, 22 आएगा, और यहाँ पे शेषफल कितना आएगा सेंचुरी में, 0 आएगा, तो 0 पर हमारा कोड कितना होता है, 6, डिवाइड करोगे 7 से, 7 × 21 ठीक है, 1 और 6 कितना हो गया, 7, और यहाँ पे 7 × 1 = 7 × 5 = 12 ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 7 × 1 = 7 बचेगा, 2 हो जाएगा 20, 7 × 2 = 14 कितना बचेगा, 6 × 5 = 11, और 11 को फिर डिवाइड कर दोगे 7 से तो कितना आएगा बताओ, शेषफल 4, यानी 4 पे दिन हमारा क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, हाँ क्या आएगा, बुधवार आएगा, ठीक है,
क्या आएगा बताओ? बुधवार। इसमें सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से कैलेंडर का जो ये टॉपिक है वो समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी अब इसमें क्या होगा, आपको एक डेट दिया रहेगा और दूसरा डेट आपको देगा कि इस दिन को, इस डेट को कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखते हैं दूसरा टॉपिक हमारा क्या है। देखो यहाँ से पहले दूसरा, हाँ यहाँ से हमारा क्या होता है, सेकेंड टाइप स्टार्ट होता है कैलेंडर का। जो सेकेंड टाइप है यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप टू। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे दो डेट दे रखी है। एक दे रखा है 1 मार्च, 1 मार्च 1997 को क्या है, फ्राइडे यानी शुक्रवार है। तो पूछ रहा है कि 1 मार्च 1 मार्च सन 2000 को दिन क्या होगा। अब इसे हम कहते हैं वास्तविक और काल्पनिक तिथि ज्ञात करना। ठीक है, देखो ध्यान से पहले, अगर एग्जामिनर चाहे तो आपको 1 मार्च 1997 को जो रियल डे है उसको दे सकता है, और चाहे तो अन्य डे भी दे सकता है। अगर रियल डे देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अन्य डे देगा तो हमको उसको वहां पे वास्तविक, ठीक है, जो हमारा वास्तविक दिन है इस दिन उसको निकालते हैं और काल्पनिक में तुलना कर लेते हैं कि वास्तविक में काल्पनिक की तुलना करते हैं तो कितना प्लस या माइनस कर रहा है। और हमको पता है कि यहाँ में 1 मार्च 1997 से ये निकाल सकते हैं कि इस दिन डे क्या रहा होगा। पीछे हम पढ़ चुके हैं, यानी 1 मार्च का कोड कितना होता है बताइए, 4 ईयर्स 97। लीप ईयर्स निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, ईयर्स में 4 से डिवाइड, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, कितना आएगा बताओ, 24 के आएंगे लीप ईयर्स की संख्या। और सेंचुरी कोड हमारा क्या हो जाएगा, 0। 7 से डिवाइड करोगे तो 3 बार जाएगा, 7 3 21, कितना बचा, 3 हो जाएगा। 4 और 3 क्या होगा, 7, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 7 इकन्नम 7, 2, 7 चौक 28 ना, तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 3 21, कितना बचेगा, 6 और 6 1 7, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 0। यानी 0 पर क्या आएगा, शनिवार। लेकिन एग्जामिनर फ्राइडे रख रहा है, इसका मतलब इसका जो वास्तविक दिन है वो क्या है, शनिवार यानी सैटरडे। अब वास्तविक से काल्पनिक की ओर चेक करो कि क्या परिवर्तन हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, -1 का परिवर्तन। कैसे, शनिवार, शनिवार से हम फ्राइडे आएंगे तो अंतर क्या हो रहा है, -1 का। जो भी अंतर ऊपर वही अंतर सेम प्रक्रिया नीचे। कैसे, क्योंकि हमको पता है कि 1 मार्च सन 2000 को हम ज्ञात कर सकते हैं कि रियल डे क्या रहा होगा, और उस रियल डे से 1 माइनस कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। अब 1 मार्च, तो 1 हमारा क्या है, इसमें हमारा डे है, मार्च का कोड 4 ईयर्स 0, अगर ईयर 0 तो लीप ईयर 0, और सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा बताओ, 6 6 1 7, कैंसिल, कितना बचा, 4 और 4 पे क्या आएगा, 4 पे आता है बुधवार। यानी बुधवार अगर इसमें रियल है तो 1 ऊपर हमने माइनस किया था, यहाँ भी 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, मंगलवार। और मंगलवार आया तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो हमारा टाइप टू है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ में नहीं आया है तो आप इसे 2 बार देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कोड में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे फर्स्ट वीडियो को जा करके बिल्कुल देख लीजिए, वहाँ से आपको जो डाउट है कोड में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए सभी लोग 4 वाला पढ़िए और बताइए कि 4 वाला क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा। कह रहा है 12 जून 2003 को क्या है, बुधवार है, तो 28 जून 2005 को कौन सा डे होगा। ठीक है, बस वही प्रक्रिया, 12 जून को हम देखते हैं कि रियल डे क्या रहा होगा। ठीक है, 12 जून को देखो, 12, अब देखो जून का कोड क्या होगा। ठीक है, जून मतलब 6, और जून का कोड कितना हो जाएगा, जून का कोड हमारा होता है 5। ठीक है, ईयर्स कितने होंगे, 3, और यहाँ पे अगर ईयर्स 3 हैं, अभी 4 तो आया नहीं, क्योंकि अगर ईयर्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 आना चाहिए थी, इसमें तभी भागफल एक आएगा। तो यहाँ पे जब ईयर्स 4 नहीं है तो हमारा लीप ईयर्स क्या होगा, 0। सेंचुरी कोड कितना आएगा, 6 7 से डिवाइड करोगे तो 7 इकन्नम 7, कितना बचेगा, 5। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 5 5 10 3 13 6, कितना हो जाएगा, 13 6 कितना हो जाएगा, 19। 7 से डिवाइड करोगे, 7 2 14, कितना आएगा बताओ, 5। अब 5 पे दिन हमारा क्या होता है, 5 पे हमारा दिन होता है बृहस्पतिवार। ठीक है, क्या होगा बताओ, बृहस्पतिवार, लेकिन दे क्या रखा है, बुधवार। तो यहाँ पे वास्तविक से काल्पनिक की ओर आ जाइए।
अब देखो बृहस्पतिवार से बुधवार आओगे तो क्या करना है, वही प्रक्रिया -1 की। तो जो प्रक्रिया ऊपर वही प्रक्रिया नीचे करना है हमको, ठीक है। अब आ जाओ देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 28, हाँ क्या कह रहा है बताओ, यहाँ पे कह रहा है 28, 28 जून कह रहा है। तो यहाँ पे डे कितना है 28 जून का कोड अभी हम निकालें, कितना है 5, ईयर्स कितने हैं बताओ 5, ठीक है। लीप ईयर, अब यहाँ पे लीप ईयर्स 1, क्योंकि 5 आ चुका है, 5 से यानी 5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल एक बार जाएगा। और यहाँ पे सेंचुरी कोड कितना होगा 6, तो यहाँ पे 6 1 7 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 7 चौक 28 ये भी कैंसिल हो जाएगा, शेषफल 0 आएगा। 5 5 10, 10 को डिवाइड करोगे 7 से तो शेषफल कितना आएगा बताओ 3, और 3 पे क्या आता है बताइए मंगलवार, लेकिन हमने ऊपर माइनस 1 किया था, यहाँ भी माइनस 1 कर देंगे तो क्या आएगा सोमवार, ठीक है। क्या आएगा सोमवार, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो एक टॉपिक के जो एक टाइप क्वेश्चन हैं उसमें मैं 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है कोई भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं शॉर्ट बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट बिल्कुल करें। धन्यवाद, गुड बाय।